दोस्तों, अगर आप इमरजेंसी में तुरंत लोन लेना चाहते हैं या फिर इमरजेंसी आ चुकी है, तो ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि 1000-2000 का लोन हमें तुरंत मिल जाए, तो आज मैं ऐसे ही लोन एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूं, जिसके मदद से कम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप इंस्टेंट लोन पा सकते हैं। वो भी आपको यहाँ पर मिनिमम 30 दिनों का समय दिया जाता है। क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी वो भी आपको यहाँ पर बताएंगे कि हमें कितने का लोन यहाँ पर मिला है, सब कुछ यहाँ पर लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ ही बताएंगे। तो वीडियो में हमारे साथ दोस्तों बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखिएगा। दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक एंड ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, फाइनल आ चुके हैं मोबाइल फोन के स्क्रीन पे, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए, उसके बाद ही लोन्स के लिए अप्लाई करेगा। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे डिमांड्स आ रहे थे, भाई अभी के दौरान में कौन से एप्लीकेशन के जरिए से हमें इंस्टेंट लोन मिल सकती है, मुझे अर्जेंट लोन की रिक्वायरमेंट है। तो आज मैं ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में आज हम बात करने वाला हूं, जिसके जरिए से 1000-2000 का लोन तुरंत ले सकते हैं। वो भी आपको यहां पर मिनिमम 30 दिन का समय दिया जाता है और मैक्सिमम 6 महीनों का समय आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं फटाफट और जानते हैं कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए अभी 1000 या 2000 के लिए अर्जेंट में काम आ सकती है, कौन सा एप्लीकेशन है, किस तरह से वर्क करती है, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगी और आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सारा कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, उसके बाद इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करिएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम जिस एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ये है इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिट वन, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस एप्लीकेशन के जरिए अगर आप इंस्टेंट लोन लेना चाहते हैं, यानी 1000-2000 का लोन लेना चाहते हैं, इमरजेंसी पड़ी है, तो आप इस एप्लीकेशन का तुरंत इंस्टॉल करके लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, आपकी एलिजिबिलिटी 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, यानी उम्र आपकी 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, इनकम का स्रोत होनी चाहिए, सिविल स्कोर यहाँ पर 750 से ऊपर होनी चाहिए, तो ही आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करिएगा, नहीं तो बिल्कुल भी लोन अप्लाई नहीं करिएगा, रिजेक्शन ही वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ सिविल मैटर करती है, लेकिन अगर आपको इमरजेंसी है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो आप फटाफट इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार आपको फिर से इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, जिस एप्लीकेशन के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ये है क्रेडिट वन लोन एप्लीकेशन। ऐसे में आपको यहाँ पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही एप्लीकेशन ये वर्कआउट करती है, यह एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म्स के जरिए से ही लोन फंडिंग करती है। आप यहाँ पर मैक्सिमम लोन 2 लाख रुपए ले सकते हैं। यहाँ पर AI बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ एप्लीकेशन रिव्यू करी जाती है और इंस्टेंट आपको बता दिया जाता है कि आपको यहाँ पर लोन मिलेगी या फिर नहीं। आधार पैन के साथ एप्लीकेशन ये वर्क करती है पूरे लगभग भारत में। अगर आप कहीं से भी हो तो लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इमरजेंसी पड़ी है तो आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिनिमम आपको यहाँ पर 2000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का भी लोन देने की दावा करती है। तो दोस्तों, मैंने आपको जैसा कि बताया कि पर्सनल लोन अगर आप लेना चाहते हैं, इमरजेंसी पड़ी है, तो अर्जेंट में आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग पूरे भारत में एप्लीकेशन वर्कआउट करती है, 3000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन देने की दावा करती है और इसका भी प्रूफ आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपको यहाँ पर एक सेल्फी देनी होगी, पैन कार्ड देना होगा और एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपको यहाँ पर आधार कार्ड देनी होगी, इसी के बिहार पर आप यहाँ पर पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसका प्रूफ भी आपको दे देते हैं कि मुझे यहाँ पर कितने की अप्रूवल मिली है और कितने का लोन लिया गया है। यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिला है और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है क्रेडिट वन की मेन डैशबोर्ड, जिसमें कि यहाँ पर 1000 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक का मैक्सिमम लोन हम ले सकते हैं। 3000 रुपये की अप्रूवल मिली, वो भी 30 दिनों के लिए, 90 दिनों का समय नहीं है फिलहाल, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो ऐसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 1000 रुपए की मेरी लोन भी चल रही है, जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करूंगा। रीपेमेंट के ऑप्शन वाले बटन के ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रीपेमेंट करने के ऑप्शन भी आ चुकी है, पूरे 30 दिनों का लोन मिला है। डिटेल में अगर हम बात करें तो स्क्रीन के सामने देख सकते हैं पूरे 30 दिन का लोन है। डिसबर्समेंट हुआ था 740 रुपए, प्लेटफॉर्म फी 140 रुपए लिए गए हैं, रीअसाइनमेंट फी 80 रुपए, GST अमाउंट 40 रुपए, टोटल इंटरेस्ट जो लग रहे हैं 2.92% पर मंथ के हिसाब से चार्ज लग रही है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं टोटल लोन को रिपेमेंट करना होगा 1030 रुपये, ये देख सकते हैं 28 सितंबर 2021 को लोन का रिपेमेंट करना है। तो भाई एप्लीकेशन ही आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है, अर्जेंट अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, इंस्टेंट आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था क्रेडिट वन लोन एप्लीकेशन, जिसके मदद से आप अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस एप्लीकेशन द्वारा लोन अप्लाई करना चाहते हैं, लाइव स्टेप प्रोसेस देखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, भाई डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, एक बार जरूर चेकआउट कर ले। तो दोस्तों, आपको एक बार फिर से आपको बता दूं, यह एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म्स के जरिए से ही लोन फंडिंग करती है, सिविल भी रिपोर्टिंग करती है, ये चीजें याद रखिएगा। लोन रिपेमेंट करिएगा ऑन टाइम अगर आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफी पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैक्सिमम वीडियो लाइव विद प्रूफ के साथ हमेशा वीडियो मैं लाते रहता हूँ।